Hello people, welcome to this channel. This is Akash Vimal. How you guys doing? I am back with another video, and this video is about rats, why they are the best pets in the world. So yes, let's begin. Okay, so a little rewind. मेरे पास कैसे मेरे white rats आए, मैं कहाँ से लेकर आया. So I have two white rats. One is Sushi, one is Kelly. Kelly is the elder one. Kelly बड़ी है, Sushi छोटी है. और Kelly को किसी ने park के पास एक road थी. मेरे घर के सामने there's a park. और उसके side में एक road है. There's a big road. I saw Kelly there. और मैं उसको फिर वहाँ से लेकर आया था. एंड देन शी हैड टू हैव अ मेट, सो आई ब्रॉट Sushi देन. सो Sushi थोड़ी छोटी है उससे, सम मंथ्स आई गेस, सम मंथ्स यंगर देन Kelly. बट दे गेट अलोंग रियली वेल. दे आर सिस्टर्स, जस्ट लाइक सिस्टर्स. दे आर रियली क्यूट एंड यस, दे आर वेरी एडजस्टिंग. वो मेरे साथ ही रहते हैं. वेन एवर आई एडिट माई वीडियोज, दे आर ऑल अराउंड मी. Plus they adjust really well with my other pets, as my iguana, my dogs and my birds also. They are really loving. So I guess it is a big fact. ये बहुत बड़ा fact है कि ये सबसे अच्छे pets हो सकते हैं. I recently came up with this video idea क्योंकि I was really noticing all these कि हम एक छोटे pet से क्या expect करते हैं, and they really fulfill all the requirements or the needs or wants जो कि हम एक छोटे pet से रखते हैं. I just made up some of these points and I am going to disclose them in front of you. So yes, let's go. So the first point is they are very intelligent. Yes, they are. बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं ये. They are very very intelligent. इनको पता होता है कहाँ पर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, घर अपना कितना साफ रखना है, कितना नहीं रखना है. माय रैट्स, आई डोंट नो इफ यू बिलीव दिस और नॉट, पर वो जिस एरिया में वो सोते हैं, इट इज क्लीन ऑलवेज 24/7. यू विल नॉट फाइंड एनी डर्टी थिंग इन देयर, एनी ऑफ द पूप और एनी ऑफ द अदर डर्टी थिंग्स. हाँ, कभी कभार थोड़ा सा खाना वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो लेकर आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे बैठ के खाते हैं और खाते खाते सो जाते हैं. दे आर रियली क्यूट. दे आर वेरी वेरी क्यूट. सो दे हैव दिस बिहेवियर कि वो जहाँ पर भी सोते हैं, जहाँ पर रेस्ट करते हैं, दैट प्लेस हैज टू बी वेरी क्लीन ऑल द टाइम बिकॉज दे हैव टू स्लीप देयर एंड दे कीप इट क्लीन देमसेल्व्स. अगर कुछ भी उसमें गंदा होता है वो उठाकर उसको बाहर फेंक देते हैं. एंड यस, इट is actually true. You can always spot your rats doing that. So I think it is a very good behavior. अगर आप अपने rats को train कर सकते हैं साफ सफाई रखने के लिए, तो बहुत अच्छे से train भी हो सकते हैं इस चीज के लिए. This can be one of the major factor why white rats can be the best pets in the world. So yes, let's go to the other point. They are very friendly. ज़्यादा बाइट नहीं करते हैं अगर आप उनको ज़्यादा तंग ना करें. इफ़ यू कीप देम इन अ गुड एनवायरनमेंट, आप अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, दे कैन बी वेरी सोशल एनिमल्स. दे आर टेम्ड वेरी इजीली. दे रेयरली बाइट. मेरे रैट्स ने कभी भी आज तक मुझे बाइट नहीं किया है, ना करने की कोशिश की है. कभी कभार ऐसा होता है कि मैं जब उनको कुछ खाना खिलाने जा रहा होता हूँ तो वो इस कन्फ्यूजन में आके मेरी उंगली को पकड़ लेते हैं, बट दे डोंट बाइट इट. वो ऐसे टच करते हैं और the point they realize that it is not their food, it is my finger. वो एकदम से अपना मुंह हटा लेते हैं and they run around. I mean they just carry on playing around. So it is a very good thing. It is a very cute behavior that I can say. कभी भी bite नहीं करते. They can never be aggressive. Yes, they can be protective at times, but they can never be that protective when it comes to their owner, their companion. White rats are wonderful creatures. They can eat anything and they can eat everything. Whether it's non-veg, whether it's vegetables, whether it's fruits, whether it's snacks and other dry stuff. Fast food bhi kafi zyada pasand hota hai inhe, and they also eat seeds jo ki hum parrots ko dete hain. They love it. So
इन द एंड ये बहुत ज़्यादा खा सकते हैं और ये सब कुछ खा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप इंसेक्ट्स खिलाएंगे या फिर नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खिलाएंगे तो आपका रैट अग्रेसिव हो सकता है, दिस इज ऑल अ मिथ। मेरे डॉग्स के लिए आई ब्रिंग सम नॉन वेज और मैं उसको अपने वाइट रैट्स को भी देता हूँ एंड दे काइंड ऑफ लव इट। दे लव एग बाय द वे। डोंट मेक देम ओबीज एंड फैट, जस्ट हैव देम गुड, हैव देम इन अ वेरी गुड शेप। This can be a very childish point, I would say, but they are cute. हाँ जी, आप इस point को avoid नहीं कर सकते that they are really cute. They are like little white fur balls and they behave very cutely, especially when they take a bath. वो खुद ही नहा लेते हैं, you just have to give them a little water dish. मेरे पास एक छोटा सा water dish है और मैं उसको उनके केज में रख देता हूँ and they bathe themselves and they look really cute while doing that. So they have a very cute face, they have very cute habits. And that's how they are one of the most cutest creatures, I would say, that you can have as a pet. This point can be a little subjective, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि वो गंदे तरीके से रहते हैं and they smell a lot और उनमें से काफी ज्यादा बदबू आती है and they smell horrible and some of the things. But I want to clear one thing here. अगर आपके rats smell कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने उनको अच्छे से नहीं रखा है। यू हैव टू क्लीन देम ऑन नॉट डेली बेसिस आई वुड से, बट यस इन 3 days और 2 days यू हैव टू क्लीन देम। दे हैव अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट, उनका एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि उनका जो भी एरिया होता है वो मार्क करके रखते हैं एंड दे स्प्रे अ लिटिल ऑफ देयर यूरिन, जिसका ये मतलब होता है कि वो उनका एरिया है। तो दे कैन स्मेल अ लिटिल बट नॉट दैट मच। यस दे पूप नॉट अ लॉट बट इन अ वेरी मिनिमल मैनर। अगर दे आर पूपिंग सो मच देन दैट मीन्स आप उनको ज्यादा खाना दे रहे हैं। पर हाँ, उनको साफ रहना बहुत पसंद है। यू कैन स्पॉट योर रैट्स यू नो बेदिंग देमसेल्व्स ऑल द टाइम। अपने वाटर डिश के पास जाके वो अपने हाथ साफ करते हैं, वो अपने पैर साफ करते हैं, दे क्लीन देयर फेसेस। So yes, they are not dirty at all. You just have to clean them a little and they can stay clean all the time. They are not high maintenance. इस point का मतलब है उनको काफी ज्यादा high maintenance वाली चीजों की जरूरत नहीं होती, उनको काफी ज्यादा महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती। They need just a medium sized cage and just a box inside. उसके नीचे एक cloth होना चाहिए जिसमें वो जाकर सो सकते हैं and they really look cute while sleeping also. So they don't need as such things, जैसे कि मेरे iguana को basking bulb चाहिए होता है, basking light और UVB चाहिए होता है and my dogs need particular attention, they need shampoos, diet and other stuff as you guys know. तो हर एक animal, हर एक pet की अपनी एक requirements होती है, but I'm sure white rats की सबसे कम requirements होती है। Again, a very major point, I would say, जिससे काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है लोगों को। Although I don't believe in buying and selling of the animals, क्योंकि आप एक जान को नहीं बेच सकते हो और खरीद सकते हो। But in the end, if you want a pet, you either you have to adopt it or you just have to pay a certain amount of price. So white rats, in case of white rats, they are not expensive at all. You can almost get a pair, I guess, in 200 or 300 rupees, and that is very cheap. But yes, don't really compare the price with the animal because every animal has a heart, has a soul and you have to take care of it. इसका मतलब ये नहीं होता कि एक जानवर बहुत सस्ता है तो आपने उसको बस एक छोटे से केज में रख दिया है, बिल्कुल इतने से केज में रख दिया है and you have forgotten everything और बस आप उसको खाना देते हैं और उसको ऐसे ही वो बेचारा पड़ा हुआ है and you are just punishing them. Just don't ever do that. Just respect nature, respect animals, respect their feelings also. They also have feelings. If you are a student, like I would say in 9th grade or 10th grade or usse kam bhi, to you can easily save up this much amount of money aur aap ek apne liye white rat la sakte hain. Get a pair, I would say, kyunki akela kafi zyada bore ho sakta hai and avoid getting them into pairs kyunki wo kafi jaldi breed karte hain. Either get 2 males or 2 females. I'm having 2 females.
So yes, if you're a student, you can have them easily and you can really take care of them easily also. So it is a very good pet for the students, for small children also, and for the big guys like me also. So yes, thank you so much for watching. Please hit the like button if you like the video and please do subscribe and blah blah blah, just like that. So if you have any doubt regarding any of my pets or white rats, just drop me a message on Instagram or in the comment section below, and don't forget to hit the like button, please. It really means a lot to me. And if any of your friends or any of your relatives want a white rat or any small pet that is very adjusting and cute as well, you can just forward this video to them. And again, bahut bahut shukriya.